जिला बिलासपुर के कोठीपुरा में प्रस्तावित एम्स की भूमि पूजन को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला भाजपा सचिव सबदेश ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम में 21 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सांसद अनुराग ठाकुर मुख्य रूप से शामिल होंगे। वहीं पर स्थानीय जनता ने भी इनका स्वागत किया है। 1351 करोड़ की लागत से बनने वाले एम्स का कार्य 21 जनवरी से शुरू हो जाएगा। कोठीपुरा में बनने वाले एम्स की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2017 को रखी थी, जिसके महज 3 महीने बाद 3 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एम्स को मंजूरी भी मिल गई थी। 1300 बीघा से अधिक भूमि पर बनने वाले एम्स की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, जिस पर 17.31 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। बाउंड्री वॉल का कार्य अंतिम दौर पर पहुंच चुका है, अब एम्स के निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है। जनवरी को 21 जनवरी 2019 को जो इसका शिलान्यास हो रहा है, इससे पूरे हिमाचल प्रदेश को फायदा मिलने वाला है। और ये जो एम्स की देन है, ये हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी की देन है, और इन्होंने पूरी कोशिश से एक छोटे से प्रदेश के लिए एम्स का जो एम्स लाए हैं वो एक बहुत ज़रूरी था, जिससे हमारे लोगों को चंडीगढ़ या दिल्ली या फिर शिमला कहीं भी जाना पड़ता था, और अब यहाँ के सारे हिमाचल प्रदेश के निचले लोग जो भी हिमाचल प्रदेश के हैं उनको पूरों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। 1351 करोड़ की लागत से एम भवन के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन 21 जनवरी को होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री विपिन सिंह परमार जी, हमीरपुर के सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी उपस्थित रहेंगे। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट।